सिंगरौली में लोग प्रदूषण से बेहद परेशान हैं। प्रदूषण के कारण लोगों का सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कई पावर प्लांट और सड़कों पर चलने वाले बड़े वाहनों से उड़ने वाली धूल है। सिंगरौली जिले में प्रदूषण ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है, जिसके चलते यहाँ के लोग कई बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों को फेफड़े से संबंधित समस्या है। प्रदूषण की मुख्य वजह यहाँ आधा दर्जन पावर प्लांट हैं। पावर प्लांट और सड़क से निकलने वाला धुआं और सड़क से कोल परिवहन के चलते प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी समस्याएं होने लगी है। जिगुर्दा के बीच में बराबर कोयले का परिवहन होता है, जिससे वजह से धूला और डस्ट इतना ज़्यादा उड़ता है कि लोग बाग राहगीरी जो चलते हैं उनके लिए या मोटरसाइकिल के लिए एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और होता रहता है। और धूला और इसमें पानी का छिड़काव NCL द्वारा नहीं किया जाता। धूल से हमारी आंखों में ऐसा घुसा कि मैं पत्थर पे बाइक चढ़ गया और हाथ टूट गया मेरा धूल के कारण। और इतना ज़्यादा खांसी हो रहा है धूल के कारण, यहाँ कुछ कहा नहीं जाता। धूल से पूरा फसलें बर्बाद हो गई हैं, पूरा रूम में घुस जा रहा है धूल, एकदम खिड़की बंद है। फिर भी मोरवा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कहना है कि सड़कों पर चलने वाले बड़े वाहनों के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन और पावर प्लांट के प्रबंधकों से कई बार की गई है, लेकिन इन सब के बावजूद सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है। सिंगरौली जिले में वाकई में प्रदूषण बेतहाशा बढ़ा हुआ है और एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो चुकी है। यहाँ के रहवासियों का प्रदूषण के कारण रहना मुश्किल हो गया है। उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है व्यक्ति। अब प्रदूषण के मुख्य कारण जो यहाँ बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगे हुए हैं और उनके चिमनी से निकलता धुआं और जर्जर सड़क व्यवस्थाएँ, पूरी तरह से सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं। चाहे आप बैढ़न से सिंगरौली जाना हो तो पूरी सड़कें धूल युक्त प्रदूषण युक्त हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।